सफल चंद्रयात्रा परे खूब शीघ्र सूर्य अभियान आरंभ करबा पई जाउची भारत। सूर्य कुने अधिक अनुध्यान करबा पई इसरो पक्षरु जारी रहिछि एक अभियान। एही परिप्रेक्षीरे खूब शीघ्र एक महाकाश जान सूर्य अभिमुखे पठाइबो इसरो। चलित वर्ष सेप्टेम्बर मासरे सूर्य अभिमुखे यात्रा करिबो महाकाश जान आदित्य L1। खूब शीघ्र एने घोषणा करिबो इसरो। एही महाकाश जान पृथ्वी ठारु 15 लाख किलोमीटर दूरें रही सूर्य उपर गवेषणा। सूर्यर अति बैगणी रश्मि को नहीं तथ्य संग्रह कर महाकाश जान आदित्य L1। तेज आसत नजर पक भारत सूर्य अभियान किसी गुरुत्वपूर्ण तथ्य उपरे। तेज किसी गुरुत्वपूर्ण तथ्य वर्तमान समय आम आप सामने रखुचु। सूर्य को केमिति जान जीव सूर्य अभिमुखे यात्रा कर आदित्य L1 महाकाश जान। सूर्य संपर्क में गवेषणापी भारत प्रथम प्रयास आंध्र श्रीहरिकोटार उत्क्षेपण कर 1500 किलो ओजन 7टी पे लोड नहीं अंतरिक्ष को जीव आदित्य L1। प्रथम लांग्रेज पॉइंट निकटे अवस्थापित हो आदित्य L1। लांग्रेज पॉइंट रे पृथ्वी एवं सूर्यर आकर्षण शक्ति कार्य करे। एटी रही सौरमंडल स्थिति अनुध्यान कर आदित्य L1 सैटेलाइट। पृथ्वी वायुमंडल भितर सूर्य किरण प्रवेश कले खेले हो जाए से पृथ्वी रही सूर्य किरण उपरे अनुध्यान संभव हुए ना। पृथ्वी वायुमंडल बाहर लांग्रेज पॉइंट रही अनुध्यान कर आदित्य L1। सूर्य पृथ्वी 15 कोटी किलोमीटर दूर से रही। आदित्य L1 पृथ्वी दूरता पखापाखि 15 लाख किलोमीटर दूर से रहिब। सूर्य 14 कोटी 50 लाख किलोमीटर दूर से रहिब आदित्य L1। सूर्य किरण एथिरे कोनोसी प्रभाव पकाइबो नाही। सूर्यर फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर करोना संपर्क में तथ्य देव। अति बैगणी रश्मि विकिरण एवं विश्व जलवायु नहीं गवेषणा कर सौर चुंबकीय झड़ वायुमंडल संपर्क में अनुध्यान कर। सूर्य अभियान पर व्यय अटक हो 378 कोटी टंका। 2024 आरंभ हो भारत शुक्र मिशन। Aditya is a mission to Sun. It is getting ready and it is just ready for launch. First week of September it will be launched, and after that it will be launched. It will travel for many days to reach the L1 point. Gaganyaan is still in the work in progress, and we are doing a mission possibly by end of September or beginning of October for demonstrating the crew module and crew escape capability, and which will be followed by further missions of unmanned missions next year beginning. And many more test missions and test ground tests, hundreds of them, until we do the first manned mission, possibly by 25.